नमस्कार मित्रों, आज हम जबलपुर के एक विशेष झील संग्राम सागर झील यहाँ आए हैं। और यह जबलपुर आप जानते ही हैं, ताल तलैयों का शहर है और अनेक सुंदर और रमणीय स्थल जबलपुर में हैं जो विकास की राह जोत रहे हैं। संग्राम सागर झील यह बहुत बड़ी झील है, एक ऐसा अनुमान है कि 200 से अधिक बड़े निकट क्षेत्र से बड़े क्षेत्र में यह झील है। इस झील के बराबर मध्य भाग में संग्राम शाह ने के समय यानी 16वीं शताब्दी में तालाब के मध्य में एक गोंडवाना कालीन भवन बना हुआ है। यह भवन बहुत ही सुंदर और देखने में बहुत अच्छा भवन है। इस भवन में रानी दुर्गावती के समय दीवाने खास और दीवाने आम ऐसी सभाएं भी होती थी। आज हम इस भवन के बराबर बीच में खड़े हैं और भवन के मध्य से और आपको संग्राम सागर इसका एक रमणीय दृश्य दिखा रहे हैं। आप विचार कर सकते हैं, यह भवन है और इस भवन के अंदर ये एक पुरानी इमारत है और जीर्णावस्था में आ गई है। स्मार्ट सिटी जबलपुर ने इसको थोड़ा सा अभी रिपेयरिंग करके और शेप में लाने की कोशिश करी है। इस भवन को मैं आपको दिखाता हूँ। यह भवन बराबर संग्राम सागर झील के बराबर मध्य में स्थित है। इसमें एक बहुत बड़ा हॉल है, दो तरफ सीढ़ियाँ हैं। इस भवन की नक्काशी बहुत सुंदर है। आप देख रहे हैं यह एक तरफ की सीढ़ी जो तालाब के एक दिशा में आती है, यह ऊपर का दीवाने आम लगने वाले के पहले यह एक छोटा सा कमरा है और इसकी आप नक्काशी देख सकते हैं कितनी सुंदर नक्काशी है। इसको अभी थोड़ा थोड़ा रिपेयर किया गया है पर एक सुंदर और जीर्ण भवन था। इसके चारों तरफ आज इसकी नक्काशी भी आप देखेंगे कितनी सुंदर है। अभी अपन चलते हैं बराबर, यह एक दरवाजा है इसका और इसके बीच में एक बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल में लगभग 200-250 लोग बैठ सकते हैं। ऐसी जगह उस समय महारानी दुर्गावती जी के काल की रही है। यह मुख्य दरवाजा है और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं, दरवाजे के ऊपर भी एक अच्छी सुंदर नक्काशी है। दरवाजे के बाहर से हम यह झील का सुंदर दृश्य देख रहे हैं। जिस समय यह भवन अपनी चरम सीमा पे होगा, अपना यह भवन बना होगा, कितना सुंदर यहाँ से यह रमणीय स्थान दिखता है। वास्तव में संग्राम सागर जो है यह मदन महल पहाड़ियों के चारों तरफ से एक झील नुमा क्षेत्र है। एक तरफ मदन महल का किला है, एक तरफ बाजना मठ है और एक तरफ ठाकुर ताल है। ठाकुर ताल का जो पानी है, जब ठाकुर ताल ओवरफ्लो होता है तो इसका पानी संग्राम सागर झील में आता है। इस संग्राम सागर झील के चारों तरफ पहाड़ियां हैं और पहाड़ी के मध्य में यह झील स्थित है। चारों तरफ से सुंदर झरने और बरसात में यहाँ देख सकते हैं। हम ये दीवाने आम के अंदर हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा यह दीवाने आम है। इसमें खिड़कियों से, इनके दरवाजों से हम संग्राम सागर को देख सकते हैं। मानो ऐसा लगता है कि इस झील के बराबर बीच में हम किसी जहाज में बैठे हैं, ऐसा हम एक एहसास और इस भवन के मध्य में आने के बाद कर सकते हैं। सुंदर भवन है, चारों तरफ के दरवाजे खुलते हैं और यह झील को चारों तरफ से देख सकते हैं अपन। ये देखिए, ये बाजनामठ तरफ का क्षेत्र है, कितना सुंदर है। बाजनामठ तरफ से यह संग्राम सागर का कुछ अभी विकास कार्य हुआ है महापौर स्वाति सदानंद गोडबोले के कार्यकाल में, और इसको भी, इस भवन को भी स्मार्ट सिटी के तहत थोड़ा सा इसकी रिपेयरिंग करके इसको एक शेप में लाया गया है। यह भवन बहुत जीर्ण हो गया रहा। अपन देख रहे हैं कि यह अभी ऊपर की छत इसकी जो नहीं है, पर हॉल कितना, हॉल की विराटता देख सकते हैं कितना विराट है। बहुत सुंदर सुंदर इसमें नक्काशियाँ हैं, रैक्स हैं। और यह फिर हम भवन के बाहर आए हैं, तालाब का दृश्य आप देख रहे होंगे। इस नक्काशी को आप देखिए, बराबर भवन के बीच को बीचों बीच में एक सुंदर नक्काशी की हुई है। 16वीं शताब्दी का यह भवन है। राजा संग्राम शाह
इनने इसको बनवाया था, रानी दुर्गावती का दीवाने आम दीवाने खास यहां लगा करता था। एक रमणीय स्थल है वास्तव में, इसको बहुत अच्छा विकसित किया जाए संग्राम सागर को। तो आज जबलपुर में इतनी बड़ी झील ही नहीं है, बहुत बड़ी झील लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में फैली है, पर इस झील को, यह भी झील धीरे धीरे कहीं ना कहीं अतिक्रमणों की चपेट में आ रही है। चारों तरफ का रम्य वातावरण है, सुंदर वृक्षारोपण यदि हो जाए तो, यह पहाड़ियां आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं। यह अपन ऊपर से हॉल से जब नीचे उतरते हैं तब ऐसी तीन दो साइड से सीढ़ियां, एक तरफ से चढ़ने की भी है और एक तरफ से उतरने की भी, उतरना चढ़ना दोनों साइड से। यह तालाब का दूसरा क्षेत्र है, मैं सीढ़ी से अभी नीचे उतर रहा हूं, आप देख सकते हैं इसकी सुंदर पुराने काल की चूने से बनी हुई यह सब कार्य है। यह एक जीना है जिससे भी मैं नीचे उतर रहा हूं, तालाब के पास जा रहा हूं। और अब इस भवन को मैं आपको तालाब तरफ से, इसके चारों तरफ से कैसा दिखता है यह भी दिखाऊंगा। ये आप तालाब का दृश्य देखिए, कमल के झाड़ है इसमें, कमल के फूल निकलते हैं इस तालाब में, बहुत बड़ी मात्रा में कमल का उत्पादन होता है। यह देखिए आप ऊपर का, यह ऊपर से देखते रहे पुराने समय में लोग तो कितना सुंदर दिखता होगा, ऐसा लगता होगा कि हम एक जहाज में बैठे हैं या एक नाव में बैठे हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है, इस प्रकार का एक एहसास इस दीवाने आम में आने के बाद होता है। यह इसका दूसरे तरफ का क्षेत्र है, सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं देख सकते हैं आप। पीछे साइड का महल का यह हिस्सा है, प्रकृति ने जबलपुर को बहुत कुछ दिया है वास्तव में। सजग प्रशासन, बहुत अच्छा नेतृत्व यदि शहर को मिलेगा तो उस समय इसका जो विकास होगा और जो पर्यटन यहाँ विकसित होगा वह देखने लायक है। इसके चारों तरफ और एक सुंदर ट्रैकिंग क्षेत्र भी बन सकता है, विद्यार्थियों को ट्रैकिंग के लिए यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, बाहर के लोगों को ट्रैकिंग के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि यह झील ऐसी है जिसके चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है और बीच में पानी है। पहाड़ों पे अनेक गुफाएं हैं, एक तरफ प्रसिद्ध ठाकुर ताल है, दूसरी तरफ मदन महल का किला है, बाजना मठ है और फिर यह पूरा तालाब है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। पहले इसके पानी में लोग नहाने आते रहे, स्विमिंग सीखते रहे, वास्तव में इतना बड़ा यह तालाब है, यह झील है। अपन यह भवन को देखें अब दूर से, अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ किस प्रकार का दिखता है। ऊपर चढ़ने का जगह है और ये लगभग दरवाजे से अपन ऊपर जाते हैं दीवाने खास में। यह थोड़ा सा भवन का एक हिस्सा गिरा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी नक्काशी भी है। यह एक है थोड़ा सा, यह हिस्सा थोड़ा सा डैमेज हुआ है, यह गिर सकता है भविष्य में, पर इसके ऊपर भी कार्य अभी हो रहा है। कितना सुंदर भवन रहा होगा अपने समय का, आप कल्पना कर सकते हैं। संग्राम सागर में जब हम बाजना मठ तरफ से खड़े रहते हैं तब यह बहुत सुंदर दिखता है। सैनिक सोसाइटी के तरफ से हम इस भवन के अंदर आ सकते हैं, वहां से भी बहुत अच्छा दिखता है। और जब हम सैनिक सोसाइटी के तरफ से अंदर आते हैं तो बहुत ही सुंदर पहाड़ियां हमको समझ में आती हैं, दिखती हैं, सुंदर सुंदर टीले दिखते हैं और बीच में जल का भराव है। यदि मेडिकल तरफ से, जहाँ पे बाजना मठ है वहाँ एक जगह इसका पानी रोकने का जो सिस्टम है, जहाँ पानी रोका हुआ है, उस जगह की ऊंचाई कम से कम 10 फीट और ऊंचाई यदि किया जाएगा तो यह संग्राम सागर जो है वो अपना पूरी झील जो है पूरी जल से भरी हुई हमेशा रहेगी। अभी कई जगह पर यह जल कम हो गया है और गर्मी आते आते, ये मैं आप देखिए बाजना मठ भवन के अंदर से आपको दिखा रहा हूँ और इसके बाजू का क्षेत्र है, ये आप धीरे धीरे देखेंगे किस प्रकार से बाजना मठ तरफ से यह दिखता है। मैं बराबर झील के बीच में खड़ा हूँ और इस भवन में खड़ा हूँ, इस भवन से आप देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। यदि हम भाजना मठ से यदि ट्रैकिंग चालू करें मान लो, तो यह ट्रैकिंग पूरा मदन महल किले से होते हुए और बीच से हम निकल भी सकते हैं ऐसे निकलते हुए और ठाकुर ताल से पूरा ऐसा घूमते हुए और वापस
फिर वाजना मठ आ सकते हैं। इस प्रकार यह तीनों तरफ से, अपन कहेंगे चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा है। जब बरसात होती है तब ठाकुरदाल का ओवरफ्लो, सुंदर झरने इस स्थान पर दिखाई देते हैं। वास्तव में यदि हमारे जबलपुर का प्रशासन नेतृत्व यदि सजग रहे तो यह झील विश्व प्रसिद्ध हो सकती है, यह झील भारत में प्रसिद्ध हो सकती है, जबलपुर के लिए एक पर्यटन का बहुत बड़ा स्थान बन सकता है। इसका विकास के लिए सोचने की आवश्यकता कि इसका विकास किस प्रकार से किया जाए। अभी मैंने देखा कि बाजना मठ तरफ से थोड़ा सा विकास कर दिया और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा विकास कर दिया, ऐसा नहीं है। इस झील के चारों तरफ आज विकास की आवश्यकता है। ये देखिए आप, झील का पिछला हिस्सा, इस तरफ मदन महल का किला स्थित है। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी के पिछले हिस्से में मदन महल का किला है। मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं थोड़ा सा। ये देखिए दूसरे तरफ की पहाड़ियां है, इस पहाड़ी के पीछे तरफ और एक प्रसिद्ध तालाब है ठाकुर ताल, जो बहुत ऊंचाई पे है। आजकल अपन देखते होंगे कि यहाँ पे लिबर्ड सियार, इसका आगमन इस क्षेत्र में है। और किस कितने प्रकार से देखिए कैसे प्रकृति से भरा हुआ है। अभी वन विभाग ने यहाँ थोड़े से झाड़ लगाए हुए हैं, इनके अपने वृक्ष लगाए हैं बांस के, पर वास्तव में इसके चारों तरफ बहुत अलग अलग प्रकार के वृक्ष लगा के इसको हरियाली इस पहाड़ी को दी जाए। और ये पानी की भी आप मात्रा देखिए, कितना सुंदर दिखता है। कमल के पौधे हैं इस झील के अंदर, कितनी बड़ी मात्रा में कमल लगा हुआ है। आप देखते हैं कैसे रंग बिरंगी फूलों से भरा हुआ यह झील है। इस प्रकार का एक सुंदर और यह रमणीय स्थल आज जबलपुर के पास में है, जिसका उपयोग हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यह पूरी रिपोर्टिंग आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल के YouTube चैनल में आपके लिए मैंने की है। मेरा नाम है संतोष गुड़बोले, जबलपुर। मैंने इसके पूर्व आपको मदन महल किले का एक दृश्य दिखाया था, कछुआ टांग दिखाया था और नर्मदा की एक सहायक नदी हिरण, उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। इस प्रकार का जो हमारा जबलपुर है बहुत सुंदर है, अनेक ताल तलैयों से भरा हुआ है। प्रकृति ने इसको इतना सुंदर बनाया है, इस शहर को, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। परंतु आज हमको पता नहीं क्या कमी है, कौन से फंडिंग की कमी, आज हम क्या नहीं कर सकते। शहर के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटन हब हमारा शहर बन सकता है। इसके लिए आज प्रयास की आवश्यकता है, नेतृत्व को इसके लिए प्रयास करना चाहिए और एक बहुत बड़ा स्थान आज अपने शहर को मिलेगा। आज इस भवन के बीच से, जो आकर्षण का केंद्र है, इसके बीच से मैंने आपको संग्राम सागर का या संग्राम सागर झील का अपन कह सकते दृश्य दिखाया है। धन्यवाद।